बाड़मेर जिले में बदमाशों द्वारा एक घर में घुसकर एक परिवार के सदस्यों के साथ बेरहमी से मारपीट करने और पिस्तौल की नोक पर एक युवती का अपहरण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने बदमाशों का पीछा करके अपहृत युवती को दस्तयाब कर दो बदमाशों को हिरासत में भी लिया है। वहीं घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला जिले के शिव थाना क्षेत्र का है। परिवार के लोगों के अनुसार हमारी चीख पुकार सुनकर गांव के लोग भी आए, लेकिन बदमाशों ने उन्हें डराने के लिए हवाई फायर भी किया। पुलिस द्वारा अपहरण, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर पूरे मामले की जाँच की जा रही है। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के भियाड़ गांव में बदमाशों ने बीती रात एक दिव्यांग दंपत्ति के परिवार पर लाठियों और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। वहीं फायरिंग करने के बाद उनकी बेटी का अपहरण कर ले जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद शिव थाना पुलिस ने 40 किलोमीटर बदमाशों का पीछा कर दो बदमाशों को दबोच लिया और अपहृत युवती को छुड़वाया। इसी के साथ दो वाहनों को भी जब्त किया गया है और एक पिस्टल भी बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार भियाड़ निवासी भियाराम की बेटी का बचपन में ही बाल नागरदा निवासी भवरलाल के साथ हो रखा था, लेकिन हेमलता ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। भवरलाल व उसके परिवार की ओर से पिछले लंबे समय से जान से मारने और उनकी बेटी को उठाकर ले जाने की धमकियां दी जा रही थी। बीती रात स्कॉर्पियो और बोलेरो में सवार होकर भवरलाल और उसके साथी बदमाशों ने बियाराम के घर पर जानलेवा हमला बोल दिया और छत पर सो रहे परिवार के लोगों पर लाठियों और सरियों से वार कर उनको घायल कर दिया। उसके बाद बियाराम की दोनों बेटियों को छत से नीचे फेंक दिया और छोटी बेटी का अपहरण कर लिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए ग्रामीणों पर भी बदमाशों ने फायरिंग की। ग्रामीणों की सूचना पर बीआर चौकी प्रभारी और शिव थाना पुलिस ने क्षेत्र में नाकेबंदी कर 40 किलोमीटर बदमाशों का पीछा कर नागरदा के पास पुलिस ने दो बदमाशों को दबोच लिया और अपहृत युवती को बदमाशों से छुड़वाया। वहीं अन्य बदमाश दोनों वाहन छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। जानलेवा हमले में घायल दिव्यांग के परिवार के सदस्यों का बाड़मेर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अपहृत युवती ने बताया कि उसकी बचपन में ही भवराराम से बाल विवाह हो गया था, लेकिन वह भवराराम के साथ नहीं जाना चाहती थी। किसी बात को लेकर पिछले काफी समय से धमकियां दी जा रही थी और रात को जानलेवा हमला कर उसका अपहरण कर लिया गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि अपहरण के बाद उसके साथ बलात्कार करने की भी कोशिश की गई। बहुत बुरा किया उन्होंने। नाइट में हम ऊपर सो रहे थे छत पे, तब उन्होंने वो गाड़ी में आए थे 10 लोग इकट्ठे होकर मेरे परिवार के सारे लोगों के साथ मारपीट की, मेरी बहन के साथ भी मारपीट की, मुझे छत के नीचे फेंक के मुझे घसीट के गाड़ी में डाल दी, मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, ये ऐसे कपड़े भी फाड़ दिए। उन्होंने कहा कि जैसा मैं कहूँगा तुझे वैसा ही करना होगा। मुझे धमकी दी कि तुझे पुलिस के आगे ऐसे नहीं बोलना, कि वो मुझे ज़बरदस्ती लेके गए थे, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती लेके गए थे। मेरा बाल विवाह हुआ था पर मैं उसको उसके पीछे नहीं जाना चाहती, मैंने उसे मना किया, तब उसने ये ऐसा काम किया। हवाई फायरिंग की, धमकाया, ऊपर से फेंका, बाल खींचे। मेरे माता पिता दोनों विकलांग हैं, उनकी भी बहुत बुरे तरीके से पिटाई की। मेरे भाइयों को भी, बहन को भी बहुत बुरे तरीके से मारा, हमको घायल कर दिया। तो गांव वालों ने हमारी आवाज़ सुनी, चीख सुनी, तो गांव वाले आए तो उनको भी डराने के लिए उन्होंने हवाई फायरिंग की और उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, तो वो पुलिस तो आधे घंटे बाद आई थी। मेरी बहन का अपहरण करके ले गए थे वो जबरदस्ती। कल 10 मई को शाम को करीब 10:30-11 बजे एक चौकी पर एक यार्ड को ये सूचना मिली थी कि 10:30-11 बजे कुछ व्यक्ति मियाराम के घर आके उनसे प्रवेश करके और अपहरण कर लिया। इस सूचना पर गए, ये जानकारी मिली कि मियाराम के घर में दो वाहन स्कॉर्पियो और बोलेरो से कुछ व्यक्ति आए थे जो छत पर चढ़े, खंभे और खिड़कियों के सहारे, और छत पर चढ़कर दो बच्चियां थी उसको छत से नीचे डाला और उसमें से एक अपहरण करके ले गए। इस सूचना पर चौकी प्रभारी ने और पुलिस थाना शिव प्रभारी ने तुरंत नाकाबंदी की और चौकी प्रभारी ने पीछा किया। करीब 25-30 किलोमीटर उनका पीछा किया और नागुंदा गांव में उस बदभैया को दस्तयाब किया और उसमें दो व्यक्तियों को मौके पर ही नागुंदा में उनको दस्तयाब किया और दो वाहन को छोड़ के बाकी सब पकड़े थे। उस सूचना पे फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया, मौके पर मैं भी गया। उस घटनास्थल निरीक्षण में
वहाँ पर उन्होंने पिस्टल भी छोड़ रखी थी और मारपीट का प्रयास किया। उन लड़कियों के पिता, भाई और उनकी माता के साथ भी मारपीट की, इस तरह का मामला। तो सर क्या मुझे सामने, क्या मुझे सामने किस वजह से अपने इसमें उस लड़की का बचपन में रिश्ता कर लिया था लेकिन पेरेंट्स ने भेजा नहीं था, तो वो इस तरह से जबरदस्ती उसको उठा के ले गए, इस तरह। तो सर वो फायरिंग की बात भी सामने आ रही है? फायरिंग नहीं हुई थी, पिस्टल वहाँ मिली थी और मारपीट वगैरह सरियों से हुई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर सीओ आनंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि दिव्यांग परिवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में रात को ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। वहीं इस घटना में प्रयुक्त दो वाहनों को भी जब्त किया गया है और पिस्टल भी बरामद हुई है। रात को ही घटनास्थल का मौका मुआयना कर लिया गया था और पुलिस ने पीड़ित परिवार की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है।